अब हम कहाँ जा रहे हैं खाना खाने? हाँ कहाँ जा रहे हैं ये तो बता। ये सही है। हाँ बिल्कुल सही है। जगह का नाम तो बता लोगों को। निष्ठा। निष्ठा मीन्स नथिंग। हमने कहा नो फिश नो एग नो मीट, तो निष्ठा एक जगह जो वेजिटेरियंस को केटर करती है, इट मीन्स नथिंग, क्योंकि कुछ भी नहीं खा रहे थे। तो ये लोग बड़ा हंसते हैं जैसे उसका नाम बताते हैं निष्ठा, तो हंसने लग जाते हैं। इट मीन्स नथिंग, इट मीन्स नथिंग, क्योंकि इट मीन्स कि हम कुछ नहीं खाते, तो इनके लिए वो नथिंग है। वीगन्स एंड वेजिटेरियंस। अरे मेरे ऑफिस में क्रोएशियन वाले ये वाली भर के पड़ी रहते हैं, इतने बड़े बड़े पैकेट्स इस वाली के, पता नहीं सबको क्यों पसंद है। ये फाइनली निष्ठा पे टेबल मिल गया है एंड इन्होंने यहाँ पे पूरा अपना एक इंट्रोडक्शन दिया है अबाउट देयर सस्टेनेबल गोल्स और इन में लिखा है ओम्स आई राम। लगता है ओनर कोई इंडियन होगा, उसने कहा सबसे पहले मैं ही वीगन खोल देता हूँ। क्या पता हो इंडियन ना। निष्ठा ऐसा नाम है जो क्रोएशियन और इंडियन दोनों है। निष्ठा बात तो सही है, इंडियन में भी तो होता है। मैंने लिया है कुछ इंडियन तड़का है ना, बहुत अमेजिंग लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। और मैंने लिया है इनका कुछ क्रोएशियन स्पेशल जो वीगन बनाया है। मिड फूड रिव्यू पूछ रही हूँ मैं। ये दाल, ये चिक्की करी और ये साग और ये चटनी, चावल, नान। नान बिल्कुल नान जैसी नहीं है, चावल चावल जैसे नहीं है, बट बाकी सब बहुत ही परफेक्ट। मैंने अपने लिए फ्रेश चिलीज भी ऑर्डर करी है। यहाँ की चिलीज जो है ना, इनमें जान है, दम है फ्रेश चिलीज में। हाँ ये बिल्कुल वो यूके वाली फ्रेश चिलीज नहीं है जो बिल्कुल फीकी होती हैं। ये हमारा बिल आया और साथ में इन्होंने एक बुक मार्क दिया है, लव एंड ग्रेटिट्यूड निष्ठा वीगन ईटरी। कॉफी पीते हैं, जल्दी सब सोते हैं, कल सुबह में फिर से आइलैंड टूर पे जाना है। यहाँ पे करते हैं ब्लॉग एंड, कल करेंगे और मस्ती, क्योंकि अभी चलना है बहुत ज़्यादा। अब तू कॉफी ले रही है तो मैं आइसक्रीम दूँ, मैं तो सोचा था नहीं लूँगा, अब तू कॉफी ले रही है तो मैं भी लूँगा, ऐसे थोड़ी ना खाली चलूँगा मैं। करना मुझे तो पानी भी पीना है। मैं तो सनस्क्रीन लगा लियो भर भर के, मेरे को टाइम ही नहीं दिया। ये हमारी गाइड है और ये कौन है, ये भी गाइड है। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि यहाँ सीट से ऊपर फ्रंट में गई थी, बट ऑब्वियसली दिस इज बेटर क्योंकि यहाँ है पानी, यहाँ है। हाँ वाइन लेके आए मेरे लिए। अभिनव कहता कि सनस्क्रीन हर जगह लगा ली है हमने, हैंड्स में, लेग्स पे, तो फेस पे भी, तो कहता कि तुमने अपने कानों पे लगाई है। उनका नहीं कान रह गए सब, वो मेरे कानों पे लगा रहे हैं मसाज। बाकी लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स के बैक पे लगा रहे, वो मेरे कानों पे लगा रहे। मैंने कहा ये तो ब्लॉगेबल मोमेंट है।
लास्ट टाइम हम थाईलैंड में ऐसा जले थे कि थाईलैंड से आके भी जल रहे थे, पूरी बॉडी जल रही थी क्योंकि हमने बिल्कुल सनस्क्रीन नहीं लगाई। हम तो इंडियन है, हमारी स्किन को क्या होगा। एक्चुअली कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभिनव को बोल रही थी कि जैसे इंडिया में आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, ठीक है, आप अपने ग्रुप में हो, किसी ने सनग्लासेस नहीं पहने होंगे, आप भी नहीं पहनोगे कि यार इंडिया में ना सनग्लासेस पहनने से लगता है स्टाइल मार रहे हैं। और यहाँ लोगों की थिंकिंग अलग है, यहाँ सनग्लासेस पहनने का मतलब है आप अपनी आईज को प्रोटेक्ट कर रहे हो और सन रेज को डायरेक्टली नहीं देख रहे, यूवी लाइट से बचा रहे हो। ये भी कि अगर आप जैसे धूप है आपने सनग्लासेस नहीं पहने हैं तो आप ऐसे करते हो ना, ऐसे तो आपके आईज के अराउंड रिंकल्स आ जाते हैं। तो काफ़ी मुझे भी मेरे कॉलीग्स बताते रहते हैं, सो देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स आई एम आल्सो लर्निंग नाउ। मुझे लगा एक अच्छे सनग्लासेस में तो इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए फिर तो आ गए न्यू सनग्लासेस। और अभिनव की ये हैं और ये पहन के दिखाएगा और फिर मैं आपको बताऊंगी इनके बारे में। क्या बढ़िया वाले। ये हैं मूल, क्या कहते हैं, मूल मात्र 200 रुपए के। ये हमने थाईलैंड में ऐसी सड़क में ले ली। 200 में कम तो नहीं बोल रही, शायद 400 के, 400 मान लो अब, 200 ज्यादा कम हो गया यार। थाईलैंड से लिए भाई, सरोजनी से थोड़ी लिए, थाईलैंड के सरोजनी से लिए। और कल मेरे मम्मी पापा को मैंने बताया कि मेरे जो है और वो इतने के और इसके जो है वो 200 के, तो मम्मी ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। वो अभिनव अपने सर पे एक रक्सैक भी डाल लेगा ना, पॉलिथीन भी डाल लेगा, मम्मी कहेगी वाह क्या लग रहा है एड्रियाटिक सी पे वाइन प्लास्टिक के कप। अभी इतने इतना ही है ना, अभी हम ये लाइफस्टाइल चेक कर रहे हैं। ये नहीं मेरी बियर, ये रहा ब्लू ब्लू पानी, ये यार असली पानी। ब्लू यार, जैसे वो एड्स में और फोटोज में नहीं आता, डेविड ऑफ की एड्स में आता है। वैसे हम झूलते हुए जा रहे हैं, कभी बोट इधर जा रही है, कभी अब बोट इधर जा रही है, तो आपको भी इसका मजा ले लेते हैं। और बिना मेरे लिए वाइन ले के आ रहे हैं और जल्दी आ जाओ, बेस्ट है। ये अनुभूति वो गायब हो गई, वो यहाँ चली गई है इसके नीचे। हाँ आओ चला। चर्च सेंट मैरी चर्च हियर एंड पैविलियन अप, यू कैन विजिट देम, दे आर डेली ओपन। टॉप ऑफ द हिल अप देयर, टॉप ऑफ द हिल। चाय तो जूते पहन के रख सकते हैं अगर पानी में तुझे नहीं जाना अभी तो, क्योंकि ये पोर्ट पे रोकेंगे। क्या प्लान है? और हम यहाँ पोर्ट पहुँच गए हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है, है ना, एक्साइटेड। यहाँ एक ही सैंड बीच है तो अभिनव कह रहा है उसे घूमना है, बट मैं कह रही हूँ कि सीधा पानी में चलते हैं। नहीं, थोड़ा सा देख के फिर चलेंगे, देखना है तुझे, टाइम पूछ लेंगे कब तक। कितना ब्यूटीफुल है, 1:30 लंच है तो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। चलो चल बैग ले। आ गया मैं तो कह रही हूँ सीधा जाए बीच, अभी ना कह रहा हूँ वॉकिंग करनी, खाना खाने आ जाएंगे। टाइम वेस्ट करना, थोड़ा सा ही टाइम है यहाँ पे भाई, खूब सारे देखने हैं। सब कह रहे हैं सीधा बीच जाओ, सीधा बीच जाओ। अभी ना कोई चर्च घूमना, नहीं मुझे लगा शायद वो पहला वाला है जहाँ वो कह नहीं रहे तीन जगह जाएंगे, तो ये तो पहले इस पे ले आए थे। आई डोंट नो, जहाँ मुझे याद था मुझे लगा कि वो ये वो वाला है जिसमें सिर्फ एक घंटा रुकते हैं। नाइस, लेट्स गो।